अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमैला वसीम, कैसे हैं आप सब जी? और वसीम को छुट्टी है रात, कल मैंने कपड़े धोए, आपके सामने रोटियां मैंने बाजार से मंगवा ली, मैंने आटा नहीं गूंदा, फिर शाम को हम लोग इनवाइट थे किसी ने किया वहाँ चले गए, फिर नहीं मैंने आटा गूंदा। तो वसीम कह रहे नाश्ता बनाने आलू गोश्त का सालन पड़ा, मैंने कहा मैंने तो आटा ही नहीं गूंदा, बोल रहे थे, मैंने कहा चले आप बाजार से ना ले आए, मैं दोपहर तक आटा गूंद के फिर हम घर में रोटियां बना लेंगे। तो वसीम क्या बाजार से ना लेने, तो मैंने कहा ये आपको स्ट्रेटनर दिखा दूँ इसका फुल, इसको जो उसके कहते हैं ना बाल स्ट्रेट करके हर चीज़ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊँ, क्योंकि आज वसीम घर बहुत काम होने, ये कर वो कर। अच्छा मुझे कमेंट सर था, आप ही आपने कहा मुझे स्ट्रेटनर की जरूरत है, देखिए आपको गिफ्ट मिल गया, आपको ये नजर आता आप ही ने ये कहा, जो चीज़ आप ही कहते हो नहीं मिल जाती है, तो ये भी तो देखा करें लोग प्रमोशन करने के 10-10, 15-15 हज़ार रुपए लेते, आपके आप ही फ्री करती है अपने घर इन्वाइट करके, आपके सामने खाना छाना किसी चीज़ की कमी पेशी नहीं होने देती, वो नहीं है आप लोगों को नजर आता, बड़ी तेज हमारी कसम से अवाम है, ये भी नज़र में रखा करें ना, अभी आप ही भी कैसे चलती है अगले बंदे के साथ। तो अभी इन्होंने जो मुझे चीज़ें दी हैं ना, मेरी ऐसी नेचर नहीं है आपके सामने, जितनी देर मेरे चैनल को होगी आप लोग मुझे जान, क्योंकि मुझे कोई देना तो मेरे सर पर ऐसे जैसे पहाड़ होता है, तो इन्होंने मुझे चीज़ें दी ना तो मेरे सर पर संभल के कहते ना वजन चढ़ गया, मैं कह रही नहीं मैंने भाई की शॉप पर जाना, हमने ये करना है वो करना है ऐसे करना है वैसे करना है, भी आपको पता है मेरा ऐसा जेन नहीं है, तो कोई मुझे चीज़ देता ना तो ये आप ये भी सोच लगा कि आप ही भी कितना कुछ करती है। अभी मैंने आपको कहा जिन्होंने मुझे इन्वाइट किया मैं वहाँ पर जा नहीं रही, मैं कह रही हूँ नहीं उन्होंने मेरे साथ ऐसे करना हो तो मैंने उससे ज्यादा अच्छा उनके लिए लेके जाना, भी नहीं वो ये ना कभी हमने इसे इन्वाइट किया तो उसने ये किया, मुझे सिर्फ लेना नहीं आता अल्हम्दुलिल्लाह, जितनी देर मेरे चैनल को होगी ना इतना तो आप लोग मुझे जान के होंगे कि मुझे देना भी आता, मैं लेने वालों में से नहीं हूँ आपके सामने ही है, हालांकि आप लोग कितने कमेंट्स करते हैं आप ही आप क्या मेहमानों को घर बुला के खाने खिलाते हैं ये वो, पर मैं कहती हूँ नहीं कोई मेरे घर में आया ना तो ऐसे ना जाए, अगर कोई मुझे इन्वाइट करा है मैं उसके साथ अच्छा चलूँ ताकि उन्हें पता लगे ये लेन देन करने वाली सिर्फ खाने वालों में से नहीं है, तो प्लीज़ ऐसी बातें अपने जेन में मत लाया करेंगे, आप ही ने ये कहा तो आप ही को मिल गया, शुक्रिया उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैंने कहा था मैं स्ट्रेटनर लूंगी तो उन्होंने अपनी शॉप से ला के मुझे दिया, तो ये भी आ जाए ये देखिए बहुत ज़बरदस्त, चलिए मैं आपको ओपन करके दिखा दूँ, बाकी जो इसका टेस्ट है ना वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दूंगी, इसकी हीट इतनी ज़बरदस्त है 1080 इसकी हीट, और मैं आपको जैसे साथ इसके प्राइस भी बता दूँ, जो हमारे रेफरेंस से लेगा ना उसे 50% डिस्काउंट पर मिलेगा, ये यानी आपको मिलेगा इस टाइम 4,500 रुपये का, तो जिन्होंने भी लेना हो तो लाजमी रब्ता कीजिएगा, इंशाल्लाह कल मैं नंबर हर चीज़ ना वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि जब तक वसीम से नंबर वगैरह नहीं लूँगी मैं वीडियो में नहीं चला सकती। ये देखिए 1000 इसकी जिसकी स्पीड है और इतना ज़बरदस्त है कि मैंने वैसे भी मैंने यूज़ नहीं किया, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में यूज़ करूँगी और प्रॉपर इसका एक शॉर्ट व्लॉग शॉर्ट वीडियो में दूंगी ओपन होने का सारा कुछ करने का और एक अपने व्लॉग में दूंगी, तो आप लोग लाजमी देखिएगा, तो वो इंशाल्लाह हम लोग कल करेंगे। और मैं एंटर ये देखिए ये ओरिजिनल है फेक नहीं है, तो अभी जब सीम आते फिर हम लोग अपना नाश्ता करते हैं, पागल हो गया, चलो बेबी आप भी ऊपर बैठो किताबें बस कर दो, बेबी ये क्या है, बेबी ये क्या है, क्या है ना ना करो ना, अच्छा नहीं 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 क्योंकि को तो अभी हम लोग करते हैं जी अपना बैठ कर लस्सी भी ले पानी भी साल लेन भी, तो अभी नाश्ता करते हैं, चलो नाश्ता जो अभी हमने कर लिया, मज़ा आया ना लस्सी बड़ी मज़े की बनती ना, अच्छा था मेरा भी फोटो खा रहा है, बेबी को आंटी इतना भी आ गया थी आती, चले जी बर्तन उठाते हैं फिर काम शाम करते हैं, आपने काम करना है घर का नहीं करना है, तो आपने क्या करना है आराम करना है, तो फिर की करना है कुछ भी नहीं करना है, क्या करना है फिर क्या करना है को आंटी मोड़ने क्या मुंह मेरा लग जाए हड्डी मैडम छोड़ दे मेरा शहजादा पुत्र है को आंटी आंटी खत्म हो गया सारा कुछ, अब मांग रही शिमे थोड़ी सी ये पी ले, नहीं दूध नहीं पीना भैया पानी दो पानी है ना पानी इसमें, अच्छा मैं देती हूँ, किचन के शेल्फ पे ही रख दो, हनान बर्तन ले गया, कह रहे मामा उधर जगह नहीं, ओए पापा पा चली गई थी, बेबी को पापा पापा हाँ वो उधर जा, अभी तो नाश्ता किया दूध पीने लग गया, काम तो जाओ आप लोग मैं काम छम कर लूँगा, वसीम ने काम पे जाना, अभी काम पे जाना, सिर्फ वो पैसे लेने हैं एक जगह से तो एक जगह पे देने हैं, वो मुझे दे देना ले के तो हमने घर में रह के कितने खर्चे होते हैं, जो माशाल्लाह तीन आपके बच्चे हैं इनके कितने खर्चे हैं, सुन लो बेबी
क्या भाई क्या साइकिल का खराब हुआ है? नहीं अभी बताओ, ये तो सिर्फ एक वॉशरूम है जो साइकिल के बगैर करता हुआ ना, बाकी सारे काम साइकिल पर करके दो तीन दिन हो गए साइकिल ही चला रहा। मैंने कहा कहीं टूटी छूटी होगी, तो वाकई मैंने देखा तो साइकिल खराब हुई। लेके आओ पापा देखा, फिर पापा सही करवा देंगे। तो डर के हमारे बता भी नहीं रहा कि साइकिल को क्या हुआ। क्या पता नहीं, पता नहीं क्या कह रहा, क्या निकला, चल नहीं रही है। देखा चैन तो नहीं उतरा, तार टूटी हुई है। किस चीज की? ये जो तार होती है ना चक्के में, इसने ये तोड़ी है। इसको सीधा कर दे, सही हो जल चल जाए। बेबी ना जा पीछे हटो, जरा पीछे हटो। बेबी क्या हुआ है? और किसने भाई ने किया इसने? अच्छा कब? अपनी जबान में बातें कर रही है। अंदर जी ये भी आई है, मेरे स्टूडेंट साथ उनकी सिस्टर आई, उन्होंने मेहंदी लगवानी, उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वगैरह डालती है। अंदर लेके चलते हैं और आपसे भी मिलवाते हैं। बहुत पुराना मेरा स्टूडेंट है। कितने हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स जो रस्ते में मिलते हैं, एमी को सलाम दा करते हैं, इज्जत करते हैं। हम भी अपने उस्ताद कितनी इज्जत करते थे, जब भी मिल जाते थे सलाम करनी, खुश होकर आगे भाग के हाथ मिलाना। तो अभी जी अंदर चलते हैं, आपको मिलवाती हूं और दिखाती हूं। माशाल्लाह इतना बड़ा हो गया, इधर तो देखो आमिर शर्म आ रही जी। ये मेरा बहुत पुराना स्टूडेंट था, इनकी सिस्टर आई मेरे से मेहंदी लगवाने, तो आज अली आया मेरे पास। अली क्यों शर्मा आ रही? अब तो अली काम करता है, अब तो बड़ा बच्चा हो गया ना। एम सेम पहचाना ही नहीं जाता ना माशाल्लाह, इतना बड़ा होगा। अली छोटा सा था ना, जितना था ना जब मेरे पास पढ़ता था तब, तो माशाल्लाह कितनी पुरानी बात है। मेरा हनान उसके जितना हुआ पड़ा है, मानो के रही उनकी बाजी के बेटे हैं। तो मैं बस उनकी सिस्टर को मेहंदी लगा रही थी। मुजैफा के काम जा करो, जैफा कहाँ पे सो रहा सोफे पे, इसको उठा कर बेड पे लिटाती हूँ। जैफा को वहाँ पे लिटा दो और इसके काम जा करो। उसने एक करवट लीना तो उसे नीचे गिर जाना, वो जो गद्दियाँ थी वो भी डबल कर ली। अब इसके इसको सेट करके डाल। अभी शाम का टाइम हो रहा है, बच्चे भी सो गए थे, मैं भी साथ सो गई, अभी सारे ही उठ गए हैं। तो अभी वसीम को मैंने भेजा, मैंने कहा जाएँ जाकर ना चावल ले, आलू गोश्त का सालन ख़त्म ही नहीं हो रहा। मैंने कहा चावल लेके आए, चावल पका कर सालन तो ख़त्म करें ना। वसीम चावल लेके आते हैं, फिर आलू गोश्त के साथ हम चावल खाएंगे। और मैंने साथ मंगवाया नूडल ना, दो तीन दिन से दिल करा वो जो मसाला भून के नूडल ही बनाते, वो बनाए तो वसीम कहते अच्छा मैं ला देता हूँ। तो आते हैं तो फिर हम लोग बनाते हैं। हम जी सारे सो गए थे, अभी उठे हैं, तड़के वाले चावल बनने के साथ ना वो मसाला भून के नूडल ही बनाते, वो हम बना रहे हैं। चावल भी गोए हैं, आलू और चिकन का सालन पड़ता, मैंने कहा वो खत्म भी तो करना है, खत्म ही नहीं हुआ करता। तो मैंने कहा वो चावल बॉइल कर लेते हैं, उसके ऊपर डाल के सालन खत्म करते हैं। बेबी आप उधर आ जाओ मेरे पास, बेबी मेरे पास आ जाओ। हनान को भी नूडल दे दिए, मजे के लग रहे हैं ना मसाला भून के। इधर मैं अपने और वसीम के लिए भी डाल के ले आऊँगा और जाफा को भी दे दी। इतने मजे के हैं, कितने मजे के हैं। चलिए उठ जाए खा लें, फिर ठंडे हो जाए, फिर चावल बना रही हूँ बाहर में। बेबी आप इधर आ जाओ, ये ले, बेबी को मैं अपने पास ले आती हूँ। चावल जी यहाँ पे बन गया गर्मा गर्म। हनान ये लो पापा को देखो, मैं आप लोगों को भी डाल के देती हूँ। दे लो हनान, हनान को भी डाल दे, मैं अपने लिए डाल दूँ बस। आप क्या कर रही हो? चावल खा रही, चाहते जूसर मशीन के जग साथ खेल रही है। ये जायफा ले के आए ना अंदर, या मैं अपने लिए भी चावल ले आई हूँ हनान के लिए भी। आप ही आ जाओ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हुआ क्या क्या? मुझे कहते मुझे मीठा पानी बना कर, फिर मैंने बना के दिया। खाना शाना खा के जी हम लोग हो गए फ्री। वसीम और बच्चे गए कायनात को जॉब से लेंगे, जॉब से लेके घर छोड़ेंगे, फिर घर आएंगे, साथ इनका दूध भी लेके आएंगे, है ना। तो मैंने कहा था जो कपड़े दोपहर को उतार के लाई हूँ, मैंने कहा चलो इन्हें समेट लेते हैं, चलो सीधी तो हो जाओ। अभी की मैंने स्ट्रोलर लिया, इसने फ़ौरन मुझे मोबाइल पकड़ा दिया, वो स्पीकर ऑन देख रहे हैं, कार्टून देख रही थी ना, तो उसे पता लगा मामा ने वीडियो बनानी, फ़ौरन आके मुझे मोबाइल दे दिया ना। मेरा सोना शहजादा बच्चा, मेरा बच्चा समझदार हो गया ना, बड़ा हो गया है ना, ठीक ही नहीं। चलो जाओ, मैं अपने बेटे को कार्टून लगा देती हूँ और मैं सारे कपड़े समेट लेती हूँ, ठीक है। चलो 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 चलो। अभी जी काफ़ी ज़्यादा कपड़े समेट दिए अपने, वसीम के ज़्यादा समेटे हैं, बच्चों के अभी रह गए। मैंने कहा पहले अपने वसीम के रख लो ना, फिर बच्चों के रखोगे। जो मेरे कमेंट्स आया था आप ही, आपका ड्रेस कितना प्यारा जो आपने पहना, मेरी बहन भी मुझे गया था। ये मेरे घर में पहनने वाला सूट है, इतना पुराना है। इसके साथ ना किधर गई, ये इसकी तह लगी हुई है, ये इसके साथ, ये इसकी पिंक शलवार थी, कहीं से मैच हो रही है, बिल्कुल भी नहीं हो रही। तो मैंने इसके साथ ना अपने दूसरे ड्रेस की ना, ये येलो वाले ड्रेस की ना, ये शलवार पहन ली। तो जब वसीम मुझे कहते
इतना पुराना आपका सूट लग रहा है। मैंने कहा मैंने नहीं चेंज करना, मैंने कहा हमने कौन सा किसी की तरफ जाना, हमने अकेले ही होना, तो ये दुपट्टा भी इसी का इसका नहीं था, इसके साथ ये वाला दुपट्टा था, देखे कहीं से सूट मैच ही नहीं होता। फिर मैंने एक दुपट्टा पड़ा था, बस मैंने वो ले लिया तो इतना अच्छा मैच हो गया। तो बस सेम फिर भी कैसे पुराना लग रहा है, मैंने कहा खैर कोई बात नहीं। तभी मेरा शहजादा भी इधर उधर घूम रहा है, भाई और पापा का वेट कर रहा है कि वो लोग आए तो उनके साथ मस्तियाँ करो। जी अल्लाह इस दराज में आपको क्या पड़ा हुआ है, कुछ भी नहीं आया इधर। जब वो लोग जाते हैं इतना रोती है ना कि मुझे खुद गुस्सा चलना शुरू होता है। मैं सीम से कहती हूँ क्या आपने कौन सा उसे उठा के ले जाना, उसे बाइक पे बैठ के जाना, उसे भी ले जाए करें, बच्ची है, नहीं ये तंग करेगी, ये सो जाएगी, मैं कैसे संभालूंगा, ये है वो है। और एक घंटे पौने घंटे की बात होती है, कहना को लेकर घर छोड़ के वापसी आना होता तो नहीं लेके जाते, इतनी मर्जा मैंने कहा। मेरा शहजादा जब भी पापा जाते हैं तब भी रोता है ना शहजादे। अपने चेकिंग कर रही हूँ क्या लिया, दिखाओ क्या लिया। वो छद के जाऊँ छोड़ने लगा, चाबियाँ लिया उसने हमारी। चलो ठीक है जाओ खेल लो, अभी जो बाकी के अपने रह गया वो भी समेट लेती हूँ। हनान बच्चों और सीम और बच्चों के आने से पहले पहले पापा ये आ गया काई को छोड़ क्या खा रहे हो, आइसक्रीम आ गई है, आप ही खा रहे खाओ जी खाओ जी। और हो बेबी की भी आई, बेबी आपको भी आ जाओ। अच्छा चलो ये लो बेबी, यम्मी यम्मी यम्मी। हाँ जी अपनी खा के सुकून नहीं था आया, साथ बेबी की भी खा रहा बड़ा है ये जैफा मारा तो तोबा तोबा। क्या डूंगे मार रहा है, डूंगे कह रहा मामा ज्यादा ज्यादा खा डूंगे मार रहा है, डूंगे क्या होता है पागल।